किसी साल का क्या गोल्ड वॉच पहन सकते हैं क्या? ठीक है तो बहरहाल तो गोल्ड वॉच नहीं है, बहरहाल गोल्ड वॉच का पहनना जायज़ नहीं है, याद रखिए। ये गोल्ड कलर नहीं, गोल्ड प्लेटेड भी नहीं है ये सिर्फ क्या बोलेंगे उसको, आपका पीतल वगैरह जैसा एक वो कलर है उसका। गोल्ड प्लेटेड वॉचेस जो होती है वो ऑरेंज जैसी होती है, येलो येलोइश नहीं होती कलर में कभी भी। तो गोल्ड प्लेटेड भी मना है और गोल्ड की वॉच भी मना है, दोनों मना है याद रखिए। मर्द के लिए याद रखिए, औरतों के लिए तो कोई मसला नहीं। मर्द के लिए गोल्ड की वॉच पहनना या गोल्ड प्लेटेड वॉच पहनना ये दुरुस्त नहीं होगा, सिवाय इसके कि ऐसा कुछ मटेरियल यूज़ होता है जिससे वॉच की लाइफ या वॉच का कंस्ट्रक्शन में यूज़ हुआ। जैसा मिसाल के तौर पर आजकल बहुत सारी चीज़ों में चिपसेट गोल्ड का आता है, उससे क्या होता है गोल्ड जो है बहुत अच्छे से सिग्नल पास करता है। इसलिए आप देखेंगे कंप्यूटर्स वगैरह के अंदर जो डिवाइसेस लोग फेंक देते हैं, लोग लेके पिघलाते हैं और वो कितने पिघलाए तो इतना इतना गोल्ड निकलता है इसमें से, होता है ऐसा। वो एक अलग चीज़ है, तो वो तो एक अलग चीज़ है कि गोल्ड डाला जाता है, गोल्ड चूंकि अच्छा ट्रांसफ़र करता है डेटा को या गोल्ड से जो है सिग्नल बराबर पास होते, तो वो एक अलग चीज़ है, वो मजबूरी है और उतना हम जा भी नहीं सकते उतनी डिटेल में कि इसमें क्या है। अगर मालूम हो तो वो भी एहतियात करें तो अच्छा है, लेकिन अगर डायरेक्ट गोल्ड है, गोल्ड डायल अंदर से गोल्ड है, पूरा वॉच गोल्ड की जनरली होती है, मर्दों के लिए ऐसा पहनना जायज़ नहीं। अच्छा, इसी तरह इस गोल्ड के अंदर याद रखिए, गोल्ड के लिए जो मैंने ये कहा कि आपको वॉच नहीं है, उसमें एक चीज़ ऐड कर दो, वो ये है कि गोल्ड बहालत ज़रूरत ज़रूरी चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। वो एक वाक़ा मैं आपको सुना देता हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी आए जिनकी जंग में नाक कट गई थी, और जंगों में उंगलियाँ कटना और नाक कटना बिल्कुल कॉमन फिनोमेना था। जैसा किसी ने अटैक किया और आप हटने हटने तक उंगलियाँ चली जाती थी, किसी ने वार किया और आपके हटने हटने नाकें कट जाती थी, नाक मुँह कट जाते थे। तो एक साहबी की नाक कट गई थी। अब नाक कटने से क्या हो गया, ये जो हड्डी अंदर की नज़र आती थी, तो उस ज़माने में एक सिस्टम था, वो थोड़ा सा छिपाने के लिए करते थे, चांदी की नाक बनाते, इसमें हुक होता था, और नाक की जो हड्डी जब कट जाती है आपके किसी स्केलेटन में, देखिए आपको समझ में आएगा, तो उसमें दो सुराख होते हैं, तो चांदी की नाक के हुक के साथ लटका दिया जाता था, तो अच्छा लगता था थोड़ा, ऐसा नाक दिखती थी इंसान की, तो ये किया जाता था। तो सहाबिया के अल्लाह के रसूल मैं ये नाक पहनता हूँ, तो क्या होता है जब वो गर्म हवा अंदर जाती है तो बदबू आती है, जो सिल्वर है ना स्मेल करता है खिस्म की, वो पहन के अरब के इलाकों में घूम रहे आप, जब उसमें हवा जा रही तो स्मेल करता है, तो क्या मैं सोने की बना लूँ, तो आपने इजाज़त दे दी। हाँ, मतलब चूंकि वो मेडिकल यूज़ था, उसमें स्मेल आती थी चांदी की नाक में, और बगैर नाक का आदमी अच्छा नहीं दिखता है, तो आपने कहा ठीक है अगर चांदी की नहीं बदबू आती तो सोने की बना ले। तो पता चला बहालत ज़रूरत बहालत मजबूरी मेडिकली गोल्ड मर्द के लिए भी जायज़ होता है इस्तेमाल करना। ऐसा मैंने दांत का एग्जांपल दिया, वैसे ही होगा, या और कोई बॉडी पार्ट के लिए, या और कोई बॉडी को चलाने के लिए, या कोई और ऑर्गेन को अच्छा रखने के लिए अगर हो रहा है तो एक अलग बात है। तो वो हदीस के अंदर बिल्कुल वाज़े वो दलील है कि उन्होंने सोने की नाक लगाई और फिर उसमें बदबू नहीं आती थी। ठीक है, तो बहरहाल ज़रूरत के तहत है, लेकिन आमतौर से एज ऑर्नामेंट, और घड़ी भी एक ऑर्नामेंट का पार्ट है, उसको गोल्ड की नहीं पहननी। इसमें एक दूसरा अस्सलाम वालेकुम, आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात व सदक़ात के ज़रिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट्स पर क्लिक करें। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बने। रोजाना हमारे वीडियोस को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हम सभी का सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकअल्लाह।